जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल में आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आज के दिन धन के कार्यों में कोई बाधा आ सकती है। अन्य प्रसन्नता के माहौल भी रहेंगे। घर परिवार वालों से सहयोग प्राप्त होगा। आप भगवान श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वालों को आज आप परिवार की तरफ से सहयोग होगा, पत्नी से सुख प्राप्त होगा एवं शत्रु परास्त होंगे। और आप कहीं आज अन्यत्र की यात्रा स्वामाने अपना जन्म स्थान छोड़ करके या कहीं आप लगे हुए हैं वहां से छोड़ करके दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वाले आपके लिए आज विद्या अध्ययन सरकारी जैसे क्षेत्रों में सफलताएं भी प्राप्त होंगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को आपके ऊपर शनि साढ़े शादी का अढ़िया का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए आप का राशि स्वामी चंद्रमा है, आप भगवान शिव की आराधना करें या भगवान शिव के लिए तांबे का सर्प पहनाकर उन्हें दान करें। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को भाग का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग भी बन रहे हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आज आप कोई जमीन इत्यादि का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जो सफलता की ओर ले जाएगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को भाग का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग एवं स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन भाग का उदय होगा एवं स्वास्थ्य को लेकर कोई स्थिति इधर उधर हो सकती है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज आप प्रोटिंग इत्यादि के कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। काले घोड़े की नाल पहने पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि साढ़े साथी की महादशा भी चल रही है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों आपके ऊपर भी शनि साढ़े साथी, शनि का प्रभाव इस वर्ष के अंत तक विशेष रूप से चल रहा है, इसलिए आप श्री हनुमान जी की आराधना करना, नीलम रतन धारण करना, रोज भगवान हनुमान जी की सेवा करना श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा, आपकी मंजिल की ओर ले जा सकता है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज आप विद्या क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में नई कुंजी, नई पूंजी एवं नई सफलता को प्राप्त भी कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। किसी भी प्रकार की समस्या, ज्योतिष तंत्र, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।